Respected MD sir, respected Ratan Paria ji, dear senior leaders and friends, सबको मेरा नमस्कार. मेरे को आप लोग सबको जानता है, मैं जिंदगी शुरू किया था फाइटर प्लेन का पायलट हिसाब से, मतलब जो युद्ध करते हैं ना, फ्लाई बॉम्ब गिराने का काम, वही काम पहले वही नौकरी में था, पायलट था. उसके बाद जिंदगी मेरे को लेके आया और IRS ऑफिसर के हिसाब से 25 इयर्स मैंने नौकरी किया. 25 इयर्स इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25 साल नौकरी करने से एक पेंशन असर जो मिलता है. और 2017 में 2017 का फ़रवरी महीना में मैंने VRS दिया, मतलब नौकरी में रिजिग्नेशन दिया. उस टाइम मेरा करीब लगभग 14 साल नौकरी बचा हुआ था. 2030 में मेरा रिटायरमेंट था. दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव MRPL. मेरे को PL दिखाई नहीं देता है, मेरे को केवल दिखाई देता है आई लव माई रिचार्ज. उसका साथ एक चीज जोड़े, दैट इज आयुर्वेदा. ये हम लोगों को डिमांड था क्योंकि आप लोग जानता है कुल्हाड़ी जो वही आदमी है जो इंडिया में स्लोगन लेके आया डिजिटल इंडिया. कौन लेके आया बताइए, आप लोगों को पता होगा. अभी केवल इंडिया में नहीं है, मोदी जी आया और डिजिटल. हम लोग को जो कंपनी का जो स्लोगन था कुल्हाड़ी सर का, मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए. पूरा इंडिया में पहले यही आदमी है जिन्होंने सोचा था डिजिटल इंडिया का. आज डिजिटल इंडिया का स्लोगन केवल इंडिया नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, इसराइल जो टॉप मोस्ट होता है, जो इंडिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर को दिया है, वो लोग को हुआ डिजिटल इंडिया चिल रहा है, जो हम लोग 2010 से चिल रहा है डिजिटल इंडिया. दोस्तों आप लोग ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं और बिना एंजॉय करके ऐसा मुंह लटका करके बैठा रहेंगे, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है. दोस्तों मैं इस कंपनी में कंपनी के साथ काम करते करते मैं पहले बहुत बिजी इंसान था. आप लोगों को पता होगा यहाँ पर बहुत आदमी मेरे को जानता है, मेरा चैम्बर में भी गया है, मेरा बंगलों में भी गया है, वो लोग जानता था मैं कितना बिजी था. तो हमको इससे प्यार हो गया था और फिर मेरा जिंदगी में एक इच्छा था, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा अच्छा जिंदगी बिताना है और टाइम फ्रीडम. अगर जिंदगी में आप लोग टाइम फ्रीडम चाहता है तो आपको एक इनकम का सेकेंड पाइपलाइन बनाना पड़ेगा, जो मैंने बनाया था. और वो पाइपलाइन से जब पानी निकलने लगा और नौकरी और सर्विस एक साथ करते करते जब देखा जब बारी है, अब टाइम है. अब 8 साल मैं कंपनी में समझ गया हूँ और हमारा जो MD सर अशोक कुलहरी सर का और मैनेजमेंट का ऊपर पूरा मेरा फैसला गया. तब मैं जब नौकरी छोड़ा 2,17,000 रुपये में मंथली सैलरी था, 2,17,000, साथ में बंगलो फ्री, 4-व्हीलर फ्री, 4 नौकर फ्री. इतना अच्छा जगह से मैं क्यों छोड़ के आया हूँ? आप लोगों को मैं नौकरी छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ या बिजनेस छोड़ने नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेट इज सेकेंड पाइपलाइन बनाइए. कितना दिन कंप्रोमाइज कर करके अपना जिंदगी गुजारेंगे? हर जगह में कंप्रोमाइज, साड़ी खरीदने जाएंगे बीबी का साथ कंप्रोमाइज, बच्चों को लोग अच्छा रेस्टोरेंट में जाने सकेंगे नहीं सकेंगे उसमें भी कंप्रोमाइज. उस कंप्रोमाइज से अगर निकलना है तो आपको एक ही काम करना है, डेट इज डायरेक्ट सेलिंग. और डायरेक्ट सेलिंग करना है तो माई रिचार्ज आयुर्वेदा. किस लिए करना है? अभी थोड़ा देर पहले वासुदेव जी बता गया जिन्होंने इस सिस्टम से 10 करोड़ इनकम किया. दोस्तों मैं भी उनका पीछे हूँ, उनको अभी पकड़ने वाला हूँ. और देखिए मेरा कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं रहता है, मेरा टारगेट बहुत बड़ा है. मैं नौकरी छोड़ा हूँ महीना में मेरे को 1 करोड़ कमाना है, सीधा बात है. मैं उसका पीछे देखता नहीं हूँ कुछ. मेरे को 2-5 लाख इनकम है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता. अगर 2-5 लाख रुपये इनकम करना होता तो मैं नौकरी करके कमा सकता था. अभी मेरे बैचमेट लोग 3.5 लाख सैलरी उठाता है. दोस्तों मैं अपना टारगेट बताया हूँ तो आप लोगों को मैं एक चीज़ दे रहा हूँ. आप लोग बहुत आदमी सोचता है इधर एक लगाने से लगता है बहुत इनकम हो जाएगा. दोस्तों ऐसा नहीं है. आपको अगर आगे बढ़ना है आपको एक अच्छा एक नेटवर्क करना उठाना, डायरेक्ट सेलिंग में अगर काम करना है आपको एक अच्छा डाउनलाइन करना पड़ेगा. बिना काम में बिना मेहनत में कुछ हो नहीं सकता है. जब तक आप अच्छा हॉटलाइन क्रिएट कर नहीं पाएंगे या नेटवर्क बना नहीं पाएंगे तो आपको इनकम हो नहीं सकता है. उसके लिए मेहनत करने पड़ेगा, मेहनत मेहनत और मेहनत. माई रिचार्ज आज ये डायमंड क्लब सेलिब्रेशन क्यों कर रहा है? देखिए डायमंड क्लब कुछ नहीं है,
डायमंड क्लब एक फीलिंग्स है। आज आप लोग यहाँ फाइव स्टार है, ऐसा क्या रेगुलर आप करना चाहता है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा। और माई रिचार्ज आयुर्वेदा का अभी लेवल में इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है दोस्तों। इसका मैनेजमेंट अच्छा, इसका प्रोडक्ट अच्छा, आप लोग देखते हैं दिन दिन, हमको इतना अच्छा लगता है जब पता चलता है एक लड़की 16 साल का बाद बिस्तर में सोया हुआ था, जिसका पट्टी तक बिस्तर में होता था वो अभी पैदल चल रहा है। मेरा टाउन में है जोशीपुर में, 16 साल उसका मम्मी पापा उसको लेके दुनिया में इंडिया में ऐसा कोई अच्छा जगह जहाँ खबर मिलते हुआ पहुँच जाता था ट्रीटमेंट करने के लिए, नहीं हुआ। लेकिन वो लड़की अभी पैदल चल रहा है, बात भी कर रहा है। ऐसे कितना एग्जाम्पल मैं दूँ, टाइम नहीं है, आज सेलिब्रेशन करना है। लेकिन मैं, मेरा इतना रिक्वेस्ट है, एक सेलिब्रेशन में, एक सेलिब्रेशन में आप अपने आप को सीमित मत रखिए। इस सेलिब्रेशन को जिंदगी में रेगुलर रहिए, रेगुलर रहिए। एमडी सर क्या किया? कुछ नहीं किया, आपको एक रास्ता दे दिया, एक पाथ दे दिया, सीढ़ी। जैसे वासुदेव को जी क्या बोल रहा था जी, आपको ऊपर जाना है। बहुत आदमी देखिए, हम लोग सीढ़ी पकड़ पकड़ करके इधर पहुँचा, बहुत आदमी ज़्यादा मेहनत करके वो थोड़ा लिफ्ट में जाके पहुँच रहा है। तो आपको ये जो सीढ़ी है, पहले सीढ़ी डायमंड क्लब, ये आपको आगे जाने के लिए सर ने किया, कंपनी में किया। आज नंदी जी एक चीज़ बताने में भूल गया, डेट इज डायमंड क्लब करने से आपको एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर फ्री मिलता है, क्या भूल गया आप? आज मैं याद कर रहा हूँ, डायमंड क्लब करने से लगभग 900 रुपये आपको कैशबैक मिलता है महीने में ना। अभी गैस सिलेंडर का कीमत कितना है? 860 समथिंग, 860 रुपया। तो आप नहीं बोल सकता है हमारा डायमंड क्लब का साथ एक गैस रिफिलिंग, गैस सिलेंडर फ्री है। मैं याद कर दे रहा हूँ दोस्तों, गैस सिलेंडर हर महीने में फ्री देते रहिए, डायमंड क्लब करते रहिए। ऐसे एक दिन नहीं है, डेली अगर आपको डेली अगर एंजॉयमेंट करना है तो माई रिचार्ज आयुर्वेदा का साथ जुड़िए। जय हिंद, जय माई रिचार्ज। थैंक यू वेरी मच।